हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् ईशोपनिषद की जय। आज हम बहुत ही सुंदर चर्चा के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और वो है भक्ति शास्त्री कोर्स। और भक्ति शास्त्री कोर्स का आज इंट्रोडक्शन है, उसको हम श्रवण करने से पहले मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं कुरुतु वाचालं, पंगुं लंघयते गिरं, यत्कृपा तमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपम् साग्रजातं, सहगण रघुनाथान् वितंतं सजीवं, साद्वैतं सावधूतं, परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं, श्रीराधा कृष्णपादं, सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र, येन त्वया भारत तलय पूर्णः प्रज्वलतो ज्ञानमय प्रदीप। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस हिज डिवाइन ग्रेस अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। तो हम सब श्रील प्रभुपाद जी के चरणों का ध्यान करते हुए, और वह व्यास देव जिन्होंने हमको संपूर्ण वेदों का ज्ञान दिया, उनके श्री चरणों में प्रणाम करके, उसके उपरांत षट गोस्वामी जिन्होंने बड़ी ही कृपा करके भक्ति के शास्त्रों के रूप में हमारे ऊपर भक्तिमय शास्त्रों की कृपा बरसाई है, उनके चरणविंदों का ध्यान करते हुए, और
अंततः भगवान श्री गौरंग महाप्रभु नित्यानंदा प्रभु जो कि कली काल में हम जैसे बद्ध जीवों पर कृष्ण प्रेम न्योछावर करने के लिए मानव जन्म के लक्ष्य को देने के लिए और बिना हमारी किसी योग्यता को देखे हुए हमको कृष्ण प्रेम बांटा उन गौर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के ध्यान धरते हुए परम करुणामय श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो कि प्रयोजन आदि देव हैं, प्राण प्रिय श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं और शरणागति के साथ हम आज अपने भक्ति शास्त्री कोर्स का प्रारंभ करते हैं। हमारा भक्ति शास्त्री का जो प्रथम मॉड्यूल है वो है ईशु उपनिषद। ईश कहते हैं भगवान को, उपनिषद कहते हैं उप कहते हैं निकट को और ईशक कहते हैं जो लेकर आता है, अर्थात वो उपनिषद को मतलब जो भगवान निकट लेकर आए और ईश मतलब जो के भगवान के, वो शास्त्र जो आपको भगवान के निकट लेकर आता है उसे कहते हैं उपनिषद। तो वैसे तो जो हमारा भक्ति शास्त्री कोर्स है उसमें हम टोटल चार शास्त्रों को पढ़ेंगे। कौन कौन से शास्त्र हैं जिनका हमें अध्ययन करना है, आज से आप सोच लो कि इन चार शास्त्रों को हमें कंटिन्यूस पढ़ना है। कौन कौन से हैं? पहला है ईशो उपनिषद, दूसरा है श्रीमद् भगवत गीता, तीसरा है उपदेश अमृत और चौथा है भक्ति रसा अमृत सिंधु। एक बार फिर से सुनेंगे, ईशो उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता, नेक्टर ऑफ डिवोशन एंड नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये हमारे चार पुस्तक हैं जिनको हम इस भक्ति शास्त्र में इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो हम ये सोचें कि हम जो कोर्स कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। भक्ति शास्त्री है ना, ये क्या भक्ति शास्त्री, कुछ शास्त्री का क्या मतलब है? तो भक्ति शास्त्री का मतलब होता है जो शास्त्रों में भक्ति है उसको हमें अध्ययन करना है। शास्त्रों के अंदर तो बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, कर्म कांड होता है, ज्ञान कांड होता है, उपासना कांड होता है, बहुत सब, लेकिन भक्ति है जो शास्त्रों के अंदर उसको हमें अध्ययन करना है। मतलब कि शास्त्रों के अनुसार हमें भक्ति करना सीखना है, ना केवल सीखना है बल्कि इतना एज इट इज और भक्ति के प्रति हमको इतना दृढ़ होना है कि हम प्रचार के लिए भी खुद को स्ट्रांग कर सकें। और दूसरा, भक्ति में जो शास्त्रों में जो भक्ति है उसको हमें वरिष्ठ वैष्णव या गुरु परंपरा के अंतर्गत सीखना है ताकि उसको हम एज इट इज जो है वो आगे दूसरों को बता सकें। तो जिस तरह से हमारे फाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद जी को भक्ति वेदांत कहा जाता है, मतलब वेदों में जो भक्ति है उसको जानने वाले हैं भक्ति वेदांत। श्री प्रभुपाद जी ने जो शास्त्रों को प्रकाशित किया है उसमें उन्होंने भक्ति को ही प्रमुखता दी है। तो आज हम जो शास्त्रों में भक्ति है उसको अध्ययन करने वाले हैं। भक्ति शास्त्री मतलब जो शास्त्रों में भक्ति है उसको हम समझने वाले हैं। तो पहले तो अब ये समझना है कि शास्त्रों में क्या है, भक्ति। तो भक्ति का क्या अर्थ है, क्या क्या मतलब है भक्ति का? भक्ति का मतलब होता है कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि एक साधक करता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भक्ति का मतलब होता है साधक कुछ साधन करता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उसे भक्ति कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी भक्ति को हमेशा लविंग डिवोशनल सर्विस कहकर कहते हैं कि एक प्रेम के भगवान के प्रेम के लिए हम जो सेवा करते हैं उसको भक्ति कहते हैं, भगवान की प्रेममयी सेवा को भक्ति कहते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो भक्ति के अंदर जो है वो तीन चीजें हैं। कौन सी है? एक तो भक्त होना चाहिए जो कि वो प्रोसेस करेगा जिसको भक्ति कहते हैं, और एक भगवान होगा जिसके लिए वो प्रोसेस किया जाएगा जिसको भक्ति कहते हैं। मतलब एक भक्त होगा, एक भगवान होगा, और उन दोनों का संबंध जोड़ने के लिए भक्ति होगी, उस साधन को, उस क्रिया को,
उस प्रोसेस को जो कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं उसको हम भक्ति कहते हैं। तो भक्त क्या करता है? अब दो चीजें हमें सीखनी है, एक है साधन, दूसरा है साध्य। भक्त क्या करता है? साधन करता है, और किसके लिए करता है? भगवान के लिए। तो भगवान क्या है? वो साध्य है। समझ में आया? भक्त साधन करता है यानी भक्ति करता है, और जिसके लिए कर रहा है वो साध्य है अर्थात वो भगवान है। तो हमारा प्रश्न ये था कि आखिर इतने सारे शास्त्रों में ये चार शास्त्र ही भक्ति शास्त्र में क्यों पढ़ाए जाते हैं, है ना? ये चार शास्त्रों में ऐसा क्या है जो कि हम भक्ति शास्त्री में इन चारों को पढ़ते हैं? तो हमारे जो दो पुस्तक हैं वो हमें साध्य की जानकारी देते हैं। साध्य मतलब हमें भगवान की जानकारी देते हैं। साध्य कौन है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, वो है भगवान। और दो शास्त्र भक्ति शास्त्री में हमें साध्य के विषय में बताते हैं, और वो दो शास्त्र कौन से हैं? पहला है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद हमको समझाता है कि भगवान ही वो हैं जो कि हमें प्राप्त करने हैं, और भगवान ही साध्य हैं, और उसके अतिरिक्त हमें बताता है, ईशोपनिषद में हम ये जानते हैं कि भगवान एक व्यक्ति है। ईशोपनिषद जो कि वेद है वो हमें सिखाता है कि भगवान एक व्यक्ति है। ईशोपनिषद भगवान को एक व्यक्ति मानता है, और जब भक्ति शास्त्री में हम ईशोपनिषद को पढ़ते हैं उसमें इसी सिद्धांत को हम जानेंगे कि भगवान एक व्यक्ति है। हमको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्रदान करता है ईशोपनिषद। आत्म साक्षात्कार मतलब हम कौन हैं और हम वो कौन है जिसे हमें प्राप्त करना है। तो श्री ईशोपनिषद के श्लोक नंबर 15 में, श्लोक नंबर 15 में ये बताया जाता है कि भगवान जो है वो परम सत्य हैं, परम सत्य हैं, और भक्त भगवान को प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? कि आपके मुख पे जो ये तेज है, उस वो जो प्रकाश निकल रहा है उस प्रकाश को हटाइए, क्योंकि भगवान की जो आभा है, ब्रह्म ज्योति जो है, इतना तेज है कि कोई भी व्यक्ति अपने नेत्रों से भगवान को नहीं देख सकता। तो भगवान से वो भक्त प्रार्थना करता है कि आपके शरीर से जो ये प्रकाश निकल रहा है उसको हटाइए ताकि मैं आपके सुंदर मुख के दर्शन कर सकूं। तो ईशोपनिषद में भक्त प्रार्थना करता है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावेणु सत्यधर्माय दृश्यते। कि आप इन किरणों को, इन ब्रह्म ज्योति को, इस तेज को हटा दो, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। तो दर्शन किसके होते हैं? जिसका कोई स्वरूप हो। तो यहाँ पर ईशोपनिषद ये प्रस्तुत करता है कि भगवान का एक स्वरूप है, और वो अगर वो भगवान है जिसका एक स्वरूप है वही साध्य है। तो अब दूसरा प्रश्न उठता है कि वो व्यक्ति जो साध्य है वो है कौन, है ना? पहला तो वो वाकई में एक स्वरूप है, एक व्यक्ति है, वो तो ईशोपनिषद ने प्रस्तुत कर दिया, लेकिन वो है कौन वो हमारी दूसरी पुस्तक बताएगी जो कि है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता हमें बताती है कि भगवान जो हमारा साध्य है, जो लक्ष्य है और जो परम सत्य है वो कौन है? वो है श्री कृष्ण, और वही परम सत्य है। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 8 में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभव, मैं ही समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगत का स्वामी हूँ। इति मत्वा भजन्ते माम, जो ये जान लेता है वो क्या करता है? भजन्ते माम। और ऐसे नहीं, भाव समन्विता, प्रेम के साथ। बुद्धिमान व्यक्ति का काम क्या है? प्रेम के साथ मेरा भजन करना।
श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 7.7 मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोक्तं सूत्रमणि गणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में पिरोए होते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे शक्ति के ऊपर आधारित है। और आगे भगवान से अर्जुन कहते हैं, चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 12-13 तक अर्जुन कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवाम। आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्र है, परम भगवान है। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुमने कह दिया तो क्या, दूसरे क्या कहते हैं? तो भगवान अर्जुन कहते हैं, आहुस्तम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवी। सब यही कहते हैं कि आप ही परम ब्रह्म हो, आप ही परम सत्य हो, आप ही सब कुछ हो, परम धाम आप ही हो। तो भगवत गीता हमें ये बताती है कि जो हमारा साध्य है, जो कि व्यक्ति है, जो ईशोपनिषद ने स्थापित किया, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन ये उत्पन्न होता है कि अगर वो भगवान श्री कृष्ण ही है तो उसको प्राप्त कैसे किया जाए? तो श्रीमद् भगवत गीता इस बात की पुष्टि करती है कि उस भगवान को प्राप्त करने का सिर्फ एक ही तरीका है। भगवान कहते हैं 11.54 भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव विदोर्जुन। अर्जुन, खाली प्रेममय भक्ति, अनन्य भक्ति से मुझे प्राप्त किया जाता। भक्त्या माम अभिजानन्ति 18.55 केवल भक्ति से द्वारा प्राप्त किया जाता है। भगवान कहते हैं भवमत भक्तो। लेकिन अभी प्रश्न उठता है कि ईशोपनिषद ने ये स्थापित किया कि भगवान परम सत्य हैं, भगवान व्यक्ति हैं, और भगवत गीता ने ये स्थापित किया कि वो कृष्ण है और उन्हें भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब हमें ये हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि वो भक्ति का प्रोसेस क्या है, कैसे वो साधन किया जाए? तो दूसरे जो दो पुस्तक हैं, वो हमें साधन के विषय में बताते हैं कि भगवान को कैसे प्राप्त करना है, भगवत प्रेम को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो साधन, वो भक्ति कैसे की जाए, वो हमें दूसरे दो पुस्तक बताएंगे। कौन कौन से? उपदेश अमृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, और भक्ति रसा अमृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन। वो हमें ये बताएंगे कि उस भगवान को हमें प्राप्त करने के लिए जो साधन करना, जो भक्ति करनी है, वो कैसे की जाए। तो बुद्धिमान जो विद्वान लोग हैं, वो ज्ञान को प्राप्त करने के तीन स्रोत बताते हैं। जो बुद्धिमान नहीं है, वो तो अलग अलग तरीके से ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्या, कैसे? वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण मांगेंगे, भाई मुझे दिखाओ तो मैं देखूंगा। अरे तुम क्या हवा को देख सकते हो, जो सारा जिंदगी जिससे सांस लिए देख सकते हो? नहीं तो भगवान को क्या देखोगे? लेकिन वो बोलेंगे कि भाई हमें प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, या तो अनुमान प्रमाण, ये सब हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा। तो ये सब जो है वो बेवकूफों के प्रमाण है। लेकिन जो बुद्धिमान है, जो विद्वान है, वो बताते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करने के तीन स्रोत हैं। कौन कौन से तीन स्रोत हैं? वेदों में जो बताए गए हैं, प्रस्थान त्रय। प्रस्थान त्रय मतलब थ्री सोर्स ऑफ नॉलेज। वो कौन कौन से हैं? पहला है श्रुति प्रस्थान, दूसरा है स्मृति प्रस्थान, और तीसरा है न्याय प्रस्थान। तो ये क्या है श्रुति प्रस्थान? श्रुति कहते हैं वेद को। वेद वो है जिसको श्रुति कहा जाता है, वो अपौरुष्य है। अपौरुष्य मतलब नित्य है, उसको किसी ने लिखा नहीं है, वो शुरू से है, उसको कहने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, वो डायरेक्ट से भगवान के जो आदेश हैं, उसको वेद कहते हैं। और वो नित्य है, उसको श्रुति प्रस्थान कहा जाता है। वो ज्ञान जो किसी ने लिखा नहीं है, जो नित्य ज्ञान है, जो केवल सुनने से प्राप्त हुआ है, उसको वेद कहते हैं, श्रुति प्रस्थान कहते हैं। और वेद कितने हैं? मुख्य रूप में चार वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद।
बाद में वेद व्यास जी ने उनको विभाजित किया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास जी हुआ। लेकिन अभी हम मुख्य रूप से देखेंगे वेद का क्या मतलब है, चार वेद, और उसको श्रुति प्रमाण कहते हैं। और हमारा भक्ति शास्त्री में हम वेद की एक ब्रांच को लेंगे जिसका नाम है इशोपनिषद। इशोपनिषद जो है वो वेद का ही एक विभाजन है, वो श्रुति है, ठीक है। और दूसरा कौन सा, एक श्रुति प्रस्थान है, अर्थात जो वेद होते हैं जो कि ज्ञान जो कि नित्य है, ठीक है। और दूसरा स्मृति प्रस्थान। स्मृति का क्या मतलब होता है कि वेदों की बातों को, क्योंकि वेद में बहुत तत्व ज्ञान होता है, उन बातों को कथाओं के रूप में, कहानी के रूप में समझाने के लिए, इतिहास के रूप में अगर उनको बखान किया जाता है तो उसको स्मृति प्रस्थान बोलते हैं। जैसे महाभारत, अब महाभारत जो है वो स्मृति है, लेकिन उसके अंदर जो है वो उपनिषद के रूप में, गीतो उपनिषद के रूप में श्रीमद् भगवद गीता दी गई, तो उस तरह से लपेट के, क्योंकि इतना ग्लैमर है महाभारत में, और फिर भगवद गीता उसमें दे दी जाती है। और वैसे मुख्य रूप से स्मृति क्या है, 18 पुराण, पुराणों में जैसे हम भागवतम और दूसरे 18 पुराण हैं, इतिहास है, और पंचरात्र विधि है। पंचरात्र में हम जो वैष्णव हैं वो नारद पंचरात्र को ही उसके अनुसार ही सेवा भगवान की करते हैं। तो ये है स्मृति प्रस्थान। स्मृति प्रस्थान मतलब जो वेदों के ही वाक्यों को सरलता से समझाने के लिए कोई लिखता है, इसको लिखने के बाद इसे पुस्तक रूप में इतिहास या पुराण जो बनाए जाते हैं वो है स्मृति प्रस्थान, ठीक है। तो इसमें हम स्मृति प्रस्थान में हम क्या लेंगे, श्रीमद् भगवद गीता जो कि महाभारत का एक अंग है, ठीक। उसके बाद है न्याय प्रस्थान। न्याय प्रस्थान का मतलब होता है वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र मतलब कि सारे वेदों का जो सार, वेद व्यास जी ने जो सारे वेदों का सार दिया है, जैसे श्रीमद् भागवतम कहते हैं, वो है वेदांत सूत्र। तो हमारे इस भक्ति शास्त्री कोर्स में तो ये न्याय प्रस्थान नहीं है, लेकिन आगे जब हम भक्ति वैभव करेंगे तो उसमें हम श्रीमद् भागवतम को लेंगे। तो यहां से हमने देखा कि वेद के जो तीन स्रोत हैं, वेद के अनुसार जो विद्वानों के अनुसार जो ज्ञान प्राप्त करने के तीन स्रोत हैं, क्या है, श्रुति स्मृति और न्याय। उसमें श्रुति से हम क्या ले रहे हैं, उपनिषद ईशोपनिषद, और स्मृति से क्या ले रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता। और उसके बाद है चैतन्य चरितामृत है, भगवद गीता, और है ना श्रीमद् भागवतम। ये इनमें क्या है कि वो भगवद गीता जो है वो वेद है, क्योंकि वो अब हम स्मृति है, लेकिन वो वेद के अनुसार है, एज इट इज जो भगवान ने दिया है वो ही है। तो भगवद गीता वैदिक है, उसको सब लोग मानते हैं, सारे लोग, चाहे वो अद्वैतवादी हो, चाहे वो द्वैतवादी हो, चाहे निराकारवादी हो, चाहे साकारवादी हो, भगवद गीता को सब लोग मानते हैं। उसके बाद है भागवतम। तो भागवतम को किस कौन मानता है, यद वैष्णवानाम प्रियम, जो वैष्णव है वो श्रीमद् भागवतम को मानते हैं। ज्यादातर जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की लीला जो भक्त होते हैं वो भागवतम को पढ़ते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता वैदिक है, उसे सब जानते हैं, सब मानते हैं। भागवतम जो है वो वैष्णवानाम प्रिय। लेकिन जो चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु जो हमारे गौड़ीय वैष्णवों के जो शास्त्र हैं, वो गौड़ीय वैष्णवों के शास्त्र बिल्कुल रेयर, क्योंकि वो बहुत ही हाईएस्ट, इसको कहा जाता है कि ये जो सबसे बड़ी जो हाईएस्ट डिग्री होती है ना, वो हर कोई नहीं लेता है ना। क्योंकि हम देखते हैं स्कूल में तो सब आते हैं, स्कूल में सब लोग आते हैं, लेकिन कॉलेज में कुछ लोग आते हैं, उसमें से कुछ लोग जो है वो निकल जाते हैं। फिर कॉलेज की पढ़ाई में भी चलो ठीक है, इतने सारे आते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में तो उससे भी कम। लेकिन अगर किसी को सर्जन बनना होता है, किसी को स्पेशलिस्ट बनना होता है, तो वो कोई रेयर होते हैं। तो जो
सबसे बड़ी डिग्री है वो है गौड़ीय वैष्णवों के द्वारा, जो सबको उपलब्ध नहीं है, जो सर्वपरि है, वो है भक्ति रसामृत सिंधु और चैतन्य चरितामृत, जो कि केवल जो गौड़ीय वैष्णव है उनका सिद्धांत है। तो वैसे हमारे जो ये जो गौड़ीय संप्रदाय है, स्कॉन का भी एक बीबीसी है, स्कॉन में भी एक बीबीसी है, बी फॉर भगवत गीता, बी फॉर भागवतम और सी फॉर चैतन्य चरितामृत। भगवत गीता जो है वो क्या है, वो वैदिक है, भागवतम क्या है, वैष्णव है, और चैतन्य चरितामृत वो गौड़िया, हमारे गौड़िया शास्त्र है। तो आगे हम देखते हैं इस भक्ति शास्त्री कोर्स में हम वेद अर्थात ईशोपनिषद, विष्णु अर्थात जो श्रीमद् भागवतम है उसके, और उस और विशेष रूप से गौड़िया जो वैष्णव है उनकी फिलॉसफी भक्ति रसा अमृत सिंधु, और भक्ति रसा अमृत सिंधु को हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। और आगे है दो चीजें हमको समझनी है जो कि हम पहले थोड़ा संक्षिप्त में बयान कर चुके हैं, वो है साध्य और साधन। साध्य का क्या मतलब होता है, वो प्रोसेस, वो कार्य। साध्य का मतलब होता है हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हम जो कार्य करेंगे वो क्या, क्यों कर रहे हैं, क्या प्राप्त कर रहे हैं। और साधन मतलब उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या कार्य करेंगे। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से कहते हैं, बहुत सुंदर है, महाप्रभु कहते हैं, साध्य साधन अमी ना जानी भालमति, मुझे तो साध्य और साधन के विषय में कुछ पता ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल छोटा बालमति, मेरी बुद्धि इतनी तेज नहीं है। साध्य साधन श्रेष्ठ जाना अमति, साध्य साधन वो आपने मुझे बहुत अच्छे से बताया आपने, और साधन उनके विषय में वेदों में तीन बातें बताई गई हैं। वेद तीन वस्तु का वर्णन करते हैं, वेद में कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण, सॉरी। तो वेद जो है वो तीन वस्तु का वर्णन करते हैं, और वो क्या है, बहुत ही सुंदर, वेदों को पढ़ने का, शास्त्रों को पढ़ने का अभिप्राय है इन तीन चीजों को जानना। और वो तीन चीजें क्या है, संबंध ज्ञान, अभिदेह और प्रयोजन। ये तीन चीजें समझने के लिए ही सारे शास्त्र हैं। तो संबंध ज्ञान, उसके लिए चैतन्य चरितामृत एक बहुत ही सुंदर श्लोक लिखा हुआ है, भगवान संबंध, भक्ति अभिदेह, प्रेम प्रियोजन, वेदे तीन वस्तु कया, वेदे तीन वस्तु कया, वेद में बस तीन ही वस्तु हैं, भगवान संबंध, भक्ति अभिदेह और प्रेम प्रियोजन। तो यहां पर वेद में क्या बताया गया है कि भगवान क्या है, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड इज सेंट्रल पॉइंट ऑफ ऑल रिलेशनशिप, जितने भी संबंध हैं, वास्तव में वास्तविक जो संबंध है हमारा वो है भगवान के साथ, भगवान संबंध है। भगवत ज्ञान को कहते हैं संबंध ज्ञान, और भक्ति को कहते हैं अभिदेह, जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त करेंगे, और भगवत प्रेम को कहते हैं प्रयोजन। ये तीन चीजें सीखनी है, पहला क्या है, संबंध ज्ञान, मतलब संबंध ज्ञान मतलब भगवान के साथ जो संबंध है हमारा, भगवान के साथ उस संबंध को जानना। दूसरा वो अभिदेह मतलब वो प्रोसेस करना जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त करेंगे, और क्यों करेंगे, प्रयोजन क्या है, वो है अभिदेह। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, सबसे पहले शास्त्र वही पढ़ेगा जो जीवन का लक्ष्य जानना चाहता है, जो जीवन का लक्ष्य जानना नहीं चाहते वो क्या कार्य करेंगे, जो पशु करते हैं, आहार निद्रा बई मैथुन, वो उसी काम में लगे लगे। लेकिन जो वेद को जानना चाहता है, जो शास्त्र को जानना चाहता है, वो क्या क्या करेगा, वो ये जानेगा कि मैं कौन हूं, मेरा संबंध किसके साथ है। तो अब ये जो चार पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, कौन कौन से, शुपनिषद, श्रीमद भगवत गीता, भक्ति रसामृत सिंधु और भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत। तो उसमें से हमें ये तीन चीजें ढूंढनी है, कौन कौन सी तीन चीजें, संबंध ज्ञान, अभिदेह और प्रयोजन। तो पहला
भगवान के संबंध के विषय में, साध्य के विषय में, कि भगवान कौन है, भगवान का रूप क्या है, भगवान कैसे हैं, उनके नाम गुण लीला वो सब हमें कैसे किससे प्राप्त होंगी, वो सब ईशोपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता। ईशोपनिषद बताएगा कि भगवान व्यक्ति है, उनका स्वरूप है, और भगवद गीता बताएगी कि वो भगवान कृष्ण है और उनके सारे कार्यकलापों के विषय में। उसके बाद है अभिदेह यानी भक्ति, और वो भक्ति कैसे करनी है वो हमें कैसे पता चलेगा। उपदेश अमृत, उपदेश अमृत में हम ये सीखेंगे भक्ति क्या कैसे है, क्या करनी है, क्या क्या कार्य करने हैं, उत्साह निश्चय धैर्य, और उसके अतिरिक्त क्या नहीं करना है, अत्याहार प्रयास, और वो सब क्यों करना है, संबंध क्यों जानना है, और साथ साथ में अभिदेह यानी क्यों भक्ति करनी है उसका, वो है प्रेम प्राप्त करने के लिए। और वो प्रेम कैसे पता चलेगा, वो प्रेम पता चलेगा भक्ति रसा अमृत सिंधु से। तो आज हम ये सीख रहे हैं कि हम भक्ति शास्त्री का अध्ययन करने वाले हैं, तो शास्त्रों के द्वारा हमको सीखना है कि भक्ति कैसे करें, है ना। भक्ति कैसे करें शास्त्रों के द्वारा सीखने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि हम भक्ति क्यों करें, भक्ति क्यों की जाती है। मतलब भक्ति का मतलब है भक्त वो साधन करता है जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, वो क्यों करता है, उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, कि हम अनंत जन्मों से भगवान से दूर हो गए हैं और हमको कुछ ऐसा प्रोसेस करना है जिसके कारण भगवान के निकट आ जाएं, और क्योंकि भगवान से दूर रहने के कारण जीव का दुख का कारण यही है कि वो भगवान से दूर हो गया, संसार के करीब आ गया है, तो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, उसी के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी है। तो अब एक बार फिर से सुनेंगे, संबंध का अर्थ है भगवान का ज्ञान, अभिदेह का अर्थ है उस भगवान को प्राप्त करने का साधन, और प्रयोजन का अर्थ है प्रेम की प्राप्ति। तो इसको हम एक सामान्य उदाहरण से सोचते हैं कि जब तक कोई लड़की छोटी होती है तो उसको पता नहीं होता है कि मेरा संबंध, उस संबंध की इम्पोर्टेंस नहीं पता है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने माता पिता के साथ, भाई बंधुओं के साथ वो प्रेम से रहती है। लेकिन जब वो लड़की बड़ी हो जाती है तब उसके लिए एक वास्तविक जो उसका लाइफ पार्टनर है, जो उसका ऐसे बोलते हैं ना कि उसके जीवन साथी को तलाश करना पड़ता है, और वो लड़का ढूंढते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, वो कितना कमाता है, क्या काम करता है, वो दिखता कैसा है, इसके विषय में सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। मतलब संबंध बढ़ाने के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसका मतलब होता है संबंध ज्ञान, जो कि हमें ईशोपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता से प्राप्त होगा। क्योंकि हम भी जब अभी तक छोटे होते हैं, हम जो हैं वो भी छोटे होते हैं, मतलब बुद्धि नहीं होती है और अपने आप को शरीर मानते हैं, तब हम इसी संसार में संबंध को ढूंढते हैं। ये मेरी माता है, ये मेरा पिता है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन, इसी को संबंध जानते हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, जैसे लड़की बड़ी होती है फिर अपने जीवन साथी को ढूंढती है, उसी तरह से बड़े होते, मतलब जब हम अपनी रियलिटी को जान जाते हैं, वी आर नॉट दिस बॉडी, हम शरीर नहीं है, हम तो एक नित्य आत्मा है, जीव है, तो फिर हमारा संबंध किसके साथ है, फिर उस संबंध को जानने के लिए, उसको संबंध को जोड़ना चाहेंगे तो हम भगवान के विषय में जानकारी प्राप्त करें, जैसे उस लड़के के विषय में, जीवन साथी के विषय में जानकारी प्राप्त की, कैसा लगता है, क्या पढ़ता है, क्या कमाता है, उसी तरह से अगर हम आत्मा हैं तो हमारा संबंध भगवान के साथ, और उस भगवान के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, भगवान का नाम क्या है, उसका गुण क्या है, वो दिखता कैसा है, उस वो कार्य कैसे करता है, नाम रूप गुण लीलाओं के विषय में, उसको कहते हैं संबंध ज्ञान। क्लियर हो गया संबंध ज्ञान। उसके बाद है, अब संबंध हो गया,
लड़की को अपना जीवन साथी मिल गया। मिल गया तो वो क्या करेगी, अभी कुछ ऐसा कार्य करेगी कि उसका जो प्रेम है वो बढ़े, उसको खुश करने का प्रयास करेगी। क्योंकि अब पता चल गया ना, ये मेरा जीवन साथी है, तो उसको मैं कैसे खुश करूं, वो कार्य करेगी। और जो कार्य उसको नहीं पसंद है वो नहीं करेगी। उसको कहते हैं अभिधेय, अर्थात साधन। तो क्या है, अभी पता चल गया ना, तो ईशो उपनिषद हमें ये बताती है कि भगवान एक व्यक्ति है, रूप है, भगवद गीता बताती है कि वो कृष्ण है, और इससे संबंध है। संबंध क्या है, भगवान भगवद गीता हमें बताती है, मम एव अंश जीवलोके, तो मेरे अंश हो, और अगर पता चल गया मैं उसका अंश हूं तो हमें भी वही कार्य करना पड़ेगा कि मैं उसको कैसे प्रसन्न करूं, मैं उसको कैसे खुश करूं, क्या कार्य करूं कि मैं और उसके निकट आऊं, ऐसे कौन से कार्य हैं जो मुझे उससे दूर करेंगे, वो हमें कौन बताएगा, प्रोसेस ऑफ भक्ति जो साधन हमें बताएगा वो है उपदेश अमृत। उपदेश अमृत क्या बोलते हैं, उत्साह निश्चय अंधेर्यान तत्त कर्म प्रवर्तते संग त्याग ततो वृत्ति षड्भिर् भक्ति। ये छह चीजें हैं जो भक्ति में आपको बहुत उन्नति दिलाएंगी। और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको भक्ति से नीचे गिराएंगे, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमागर, और बहुत ज्यादा भौतिक वस्तुओं के विषय में सोचना और भौतिक बातें करना और प्रजल्प करना, ये सब भक्ति से दूर। तो साधन हमको क्या करने हैं, भगवान के निकट आने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए भक्ति कैसे करनी है, वो हमें उपदेश अमृत बताता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो है अभिधेय। और फिर अब जब एक लड़की को एक लड़का जीवन साथी मिल गया, उसको पता चल गया ये इससे मेरा संबंध है, तो वो कार्य करेगी क्या, उसको प्रसन्न करने का। और प्रसन्न करने का कार्य करने के बाद अब उद्देश्य क्या है, विवाह तो कर लिया, सेवा भी शुरू कर दी, लेकिन उद्देश्य क्या है, संतान की उत्पत्ति। उसी तरह से जीव का भगवान के साथ संबंध जुड़ गया, मामाई वंश, और उसने भक्ति का प्रोसेस भी शुरू कर दिया, नाम जप करना, चार नियम का पालन करना, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, अभिधेय, उसका प्रयोजन क्या है, प्रयोजन क्या है, वो है हमारे हृदय में जो भगवान का प्रेम पहले से ही स्थापित है, पहले से ही पड़ा हुआ है लेकिन सुषुप्त अवस्था में है, उसको प्रकट करना है, भगवत प्रेम की प्राप्ति। तो ये प्रेम की शिक्षा, ये भगवान के प्रेम की शिक्षा है, वो हमें कौन देगा, वो हमें देगी भक्ति रसा अमृत सिंधु। तो ये चार शास्त्र हम क्यों पढ़ते हैं, चार शास्त्र हम इसलिए पढ़ते हैं कि दो शास्त्र श्रीमद् भगवद्गीता और भगवद्गीता और उपदेश अमृत से संबंध ज्ञान प्राप्त होगा, भगवद्गीता और ईशो उपनिषद से संबंध ज्ञान प्राप्त होगा, और उसके बाद उपदेश अमृत जो है उससे हमें अभिधेय भक्ति का प्रोसेस पता चलेगा, और प्रयोजन अर्थात कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए हम क्या पढ़ेंगे, भक्ति रसा अमृत सिंधु। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा, साध्य और साधन, जिससे हमें पता चलेगा साध्य क्या है, वो है भगवान, और साध्य किस तरह से पता चलेगा, वो हमें भगवद्गीता हमें बताएगी साध्य क्या है, ईशोपनिषद क्या है, साधन क्या बताएगा, जो भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेश अमृत, वो हमें साधन बताएंगे। और उसी तरह से हमने पढ़ा कि वेदों में बताया गया है, वेदों में क्या बताया गया है, तीन स्रोत हैं शास्त्र को, शास्त्र जो ज्ञान, तीन स्रोत कौन से हैं, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान। तो श्रुति प्रस्थान जो है वेद है वो क्या है, ईशोपनिषद, और स्मृति प्रस्थान जो कि इतिहास है, जो कि लिखे गए हैं, वो क्या है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, श्रीमद् भगवद गीता। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने ये सारी चीजें अभी सीखी हैं। इसके बाद हम षड दर्शन को पढ़ेंगे। षड दर्शन जो है उसमें अलग अलग दर्शन है वेदों के विषय में, वो हम कल पढ़ेंगे। और यहाँ पर हमने ये जो पढ़ा है साध्य साधन के विषय में पढ़ा, और तीन प्रकार के जो स्रोत हैं उनके विषय में पढ़ा, और वेदों के
तीन उद्देश्य संबंध ज्ञान, अभिदेह और प्रयोजन के विषय में पढ़ा। और भक्ति शास्त्री का मतलब क्या है, भक्ति क्या है, भक्ति क्यों करनी है, और ये सब हमने अभी चर्चा की। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे से कर सकूं अपनी सेवा और साधना को, और गुरु कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथ राज श्रीमद भागवत महापुराण की जय हो। हरि बोल। नित्य लीला।